Hello friends, in this video we will discuss about the LR and RL rotation. In last video we have discussed about the LL and RR rotation and what is a AVL tree. Ye hum already last video mein discuss kar chuke. Now LR rotation ki ab is particular video mein hum baat karenge. So LR rotation mein ek example hum le lete hain like 10, 5 and 8. Mujhe in particular elements ko insert karna hai AVL tree mein. It means balance binary search tree और height balance tree में 8 insert करना है. Now 10 सबसे पहला element क्योंकि root node बनता है, तो first element हमारा root node बन गया. इस particular element का मुझे balancing factor check करना होता है, तो height of left subtree minus height of right subtree, तो कितना हो गया मेरा 0 minus 0 तो 0. So, क्योंकि height left की भी इसकी 0 है, right की भी इसकी 0 है, तो 0 minus 0. So balancing factor is 0. हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि यदि बैलेंसिंग फैक्टर की बात करें अपन, तो वो क्या होता है, हाइट ऑफ लेफ्ट सबट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सबट्री इक्वल्स टू 0 माइनस 1 एंड प्लस 1. यदि ये पर्टिकुलर बैलेंसिंग फैक्टर मेरा निकल के आता है किसी भी पर्टिकुलर नोड का, इट मींस मेरी ट्री बैलेंस्ड है, अदरवाइज अनबैलेंस्ड है. तो अनबैलेंस्ड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पर्टिकुलर रोटेशंस का यूज करना पड़ेगा. Now insert 5, क्योंकि 5 आपका 10 से छोटा है, तो 5 आपका 10 का left child बनेगा. Now अब मैं balance factor check करूं, तो 5 का कितना हो गया 0, क्योंकि height of left subtree minus height of right subtree 0. 10 का balancing factor check करूं, तो 1 minus 0, तो कितना हो गया आपका plus 1. So ये हो गया 10 का balance factor. अभी तक मेरी tree balanced है. Now insert करता हूं अब मैं next element 8 को. So 8 जब मैं इंसर्ट करूंगा, तो 8 मेरा कहां पे आएगा, 5 के राइट में, because 8 is greater as compared to 5 and less है 10 से. Always comparison हम कहां से स्टार्ट करेंगे, रूट नोड से. So 10 से लेफ्ट छोटा है, 5 से बड़ा है, तो 8 मेरा कहां पे आ गया, 5 का राइट चाइल्ड बन गया. Now अब बैलेंसिंग फैक्टर चेक करें, तो इसका कितना हो गया 0, इसका देखें कितना होगा, तो 0 minus 1, तो कितना हो गया minus 1. इस पर्टिकुलर नोड का बैलेंसिंग फैक्टर चेक करें, तो कितना हो गया 1 2. बैलेंसिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, हाइट पर्टिकुलर हाइट की कैसे निकालेंगे, इसकी पर्टिकुलर लेफ्ट चाइल्ड की हाइट कैसे क्या होती है, अपनी रूट नोड से लीफ नोड तक जो भी डीपेस्ट पाथ होगा वो मेरी हाइट होगी. तो इसकी हाइट कितनी हो गई 1 2, तो कितना हो गया 2 - 0, तो कितना हो गया आपका +2. तो +2 है, इट मींस this tree is unbalanced, क्योंकि हमने क्या बोला, यदि 0 minus 1 या plus 1 है तो tree balanced है मेरी, otherwise unbalanced है. Now unbalanced है तो इसको balance करना है, तो इसको balance करने के लिए सबसे पहले मुझे ये identify करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा rotation लगेगा. तो उसको कैसे identify करते हैं, कौन सा element मेरा unbalanced हुआ है, तो 10 किसके आने से unbalanced हुआ, 8 के, क्योंकि 8 के पहले तक यदि आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये मेरी ट्री आपकी परफेक्टली बैलेंस थी, 8 के आने से अनबैलेंस्ड हुआ. नाउ 8 तक मुझे पहुंचना है या उस तक पहुंचने का, उस पर्टिकुलर 8 के पाथ तक पहुंचना है, मे बी मैं उस एलिमेंट तक पहुंच पाऊं या ना पहुंच पाऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं. एक लेफ्ट और एक राइट लेकर मैं जहां पर भी जिस भी एलिमेंट पर पहुंच गया, बस वही मेरा एलिमेंट रूट नोड और पैरेंट बन जाएगा. तो क्यों हमने बोला डबल रोटेशन, उसको भी समझते हैं अभी. पहले मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूं इसकी, कि डायरेक्ट कैसे इसको सॉल्व किया हमने. तो इसमें मैंने 8 तक पहुंचना है, तो एक लेफ्ट लिया रूट नोड से और एक राइट लिया, तो मैं 8 तक पहुंच गया. नाउ 8 मेरा क्या बन गया, पैरेंट बन गया. 8 के लेफ्ट में कौन आ गया, 5. 8 के राइट में कौन चला गया, 10. नाउ यदि अब बैलेंस फैक्टर की बात करूंगा, तो मेरी ट्री ये परफेक्टली बैलेंस्ड है. अब इसको डबल रोटेशन क्यों बोला, उसको समझिए. इस पर्टिकुलर ट्री को बैलेंस करने के लिए मुझे सबसे पहले 8 को रोटेट करना पड़ेगा, मतलब सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड में रोटेट करूंगा, देन उसके बाद मैं राइट हैंड साइड में रोटेट करूंगा. दैट्स व्हाई हमने क्या बोला, लेफ्ट राइट रोटेशन. तो लेफ्ट साइड में इसको रोटेट करूंगा, तो कैसे करूंगा मैं, तो देखिए उसको 10 लेफ्ट साइड में इसको 8 को रोटेट किया, तो ये कितना हो गया 8, देन उसके बाद में 5. अब मैं क्या करूंगा, इसको राइट में रोटेट करूंगा, तो 1 रोटेशन तो ये हुआ. सेकंड रोटेशन क्या होगा, जो कि RL रोटेशन में RR रोटेशन का पार्ट बनेगा, क्या होगा, R मतलब एक राइट, एक राइट लेकर किस पर्टिकुलर नोड पर पहुंच गया मैं, 5 पर,
बट अनबैलेंस कौन था मेरा, ये वाला, तो इसके नेक्स्ट में जो भी नोड होगा वो मेरा क्या बन जाएगा, पैरेंट बन जाएगा, रूट बन जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका डबल रोटेशन। तो हमने क्या बोला LR और RL बोथ आर ही डबल रोटेशन। डबल क्यों, पहले मैं उस पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर ट्री को लेफ्ट में मूव कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं, देन उसके बाद में राइट में रोटेट कर रहा हूं, तो दिस इज द LR रोटेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज अ RL रोटेशन। सो RL रोटेशन भी सिमिलर है, देख लेते हैं इसको, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, लेट अस अज्यूम 10 20 एंड 15 ये मेरे पास में एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स को मुझे इंसर्ट करना है। सबसे पहले मैंने अगेन 10 को इंसर्ट किया, तो 10 का बैलेंसिंग फैक्टर 0। नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट किया मैंने 20, 20 बिकम द राइट चाइल्ड ऑफ 10 बिकॉज 20 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 10। नाउ बैलेंसिंग फैक्टर चेक करें, तो 20 का बैलेंसिंग फैक्टर देखा तो कितना हो गया 0, 10 का बैलेंसिंग फैक्टर 0 माइनस 1 कितना हो गया माइनस 1। नाउ थर्ड वन इज 15, सो 10 20 एंड 15, सो 10 से ग्रेटर बट 20 से लेस, तो 15 कहां पे आ गया आपका लेफ्ट चाइल्ड बन गया 20 का। नाउ अब बैलेंसिंग फैक्टर चेक करते हैं, इसका कितना हो गया 0, इसका बैलेंसिंग फैक्टर चेक करें तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री 1 माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री 0, तो कितना हो गया प्लस 1। 10 का बैलेंसिंग फैक्टर चेक करें, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री कितना 0 माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री कितना 1 2, तो कितना हो गया 2, ठीक, तो कितना हो गया माइनस 2, तो बैलेंसिंग फैक्टर कितना आ गया इसका माइनस 2। It means this is a unbalanced. तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, रोटेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा रोटेशन यूज होगा, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करें कौन अनबैलेंस्ड हुआ, 10 किसके आने से अनबैलेंस्ड हुआ, 15 के, तो मुझे 15 तक पहुंचना है या पहुंचने की कोशिश करना है, तो कैसे पहुंचूंगा, एक राइट और एक लेफ्ट लेकर, तो यहाँ पे कौन सा रोटेशन लग गया, RL रोटेशन। RL रोटेशन अगेन आपका क्या है, डबल रोटेशन है, बट मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको, एक राइट और एक लेफ्ट लेकर जिस भी नोड पर आप पहुंच गए वो नोड क्या बन जाएगा, आपका पैरेंट नोड बन जाएगा। तो 15 देन उसके बाद में 10 देन उसके बाद में 20, सो क्योंकि 10 लेस है 15 से और 20 ग्रेटर है आपका 15 से। नाउ बैलेंसिंग फैक्टर चेक करें, 0 0 0, सो दिस इज अ परफेक्ट बैलेंस ट्री। नाउ अब मैं आपको बताऊं कि RL कैसे डबल है, तो RL डबल ऐसे है कि आपने सबसे पहले इस 50 को राइट हैंड साइड में रोटेट किया, मींस आपने 10 देन 15 और 20, ये ऐसा एक रोटेशन हुआ, फिर आपने लेफ्ट में रोटेट किया, दैट्स व्हाई हम RL बोल रहे हैं, राइट लेफ्ट, पहले आपने राइट रोटेट किया देन उसके बाद में अब आप लेफ्ट रोटेट कर रहे हैं, तो लेफ्ट रोटेट करने से आपका ये पर्टिकुलर इस तरह से बन गया। इट मींस हम क्या बोल रहे हैं यहां पर कि RL और LR बोथ आर दी डबल रोटेशन, टू टाइम्स आपको रोटेट करना पड़ रहा है, बट हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था LL और RR बोथ आर दी सिंगल रोटेशन, क्योंकि एक ही बार आपको रोटेट करना पड़ रहा था। नाउ कम टू दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ABL ट्री। यदि ABL ट्री की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आपने यदि ट्री की हाइट को बैलेंस कर दिया, मींस जो पर्टिकुलर सिचुएशन आपकी बाइनरी सर्च ट्री का वर्स्ट केस बन रहा था, ठीक है, लेट अस अज्यूम ये एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को मुझे ABL ट्री में इंसर्ट करूंगा, तो एलिमेंट को इंसर्ट जब मैं करूंगा तो मेरे एलिमेंट्स बैलेंस्ड हो जाएंगे, मतलब जो ट्री मेरी बनेगी वो पर्टिकुलर बैलेंस बनेगी, मतलब जब ट्री मेरी बैलेंस्ड हो गई तो मेरे पास ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं बनेगा कि मैं एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करूं, या तो आइदर लेफ्ट में या आइदर राइट में, ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं बनेगा, क्योंकि मेरी हर एक ट्री बैलेंस्ड होगी। तो बैलेंस्ड होगी तो किसी भी एलिमेंट को सर्च करने का जो टाइम निकलेगा, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी इन वर्स्ट केस, वो क्या लगेगी आपकी, ऑर्डर ऑफ लॉग एन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस और वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ ABL ट्री। थैंक यू सो मच।